सर जितेंद्र पटेल का पार्सल है कितना अमाउंट है? सर, 490। ये लो। हाँ सर, एक सेकेंड। अरे रहने दो, रखो उसे। नहीं सर, दे अरे रहा हूँ। रखो रखो। थैंक यू सर। ए, छी छी, टोपी क्या लेके आया था? पार्सल पेमेंट कितना हुआ? 490, जितेंद्र ने कितना दिया था? 500। 10 रुपये ला 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 ला। चल जा। ये क्या खा रहा है? छोले। छोले? छोले क्यों? क्योंकि वो दाल नहीं खाता। तो सबके लिए छोले बना लेती। मुझे दाल खानी थी। वाह, तुम दोनों माँ बेटे दावतें उड़ाओ और मैं पैसे बचाता रहूंगा। पापा, इसमें पैसों की बात कहां से आ गई? हैं? पैसों की बात कहां से आई? ये छोले फ्री में आवे छे? अच्छा, ये सब छोड़, भाड़ा लेके आया कि नहीं लेके आया? आया, लेके आया। 10 दिन ऊपर हो गए। भूल गया मैं। वाह, भूल गया तू तो, भूलता रहे और यहां बैठ के छोले खा। एक काम नहीं होता ढंग से इससे, और बोलता है भूल गया। सुन, थोड़े छोले डाल। एक ही कटोरी बनाए थे। वो आंटी और पापा ने रेंट के लिए भेजा है। हाँ आओ। बैठो बैठो। पिंकू, पानी लेके आना। हाय। हेलो। व्हाट्स योर नेम? जीतू, जितेंद्र। माई नेम इज पिंकू, मतलब पिंकी। वो आंटी को बोल दो मुझे निकलना है। आपसे एक बात कहूँ? मेरे पापा का नाम भी जितेंद्र था। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस पापा की याद आ गई। अरे पाप, तुम, अरे रो मत। आप आंटी को बोल दो जल्दी मुझे निकलना है। आपसे एक बात कहूँ? प्लीज रुक जाइए ना। इस अनजान शहर में पहली बार कोई मुझे अपना सा लगा है। प्लीज। ठीक है। अरे ये आपको पसीना आ रहा है? हाँ, वो गर्मी बहुत है ना। आपको भी गर्मी हो रही है? मुझे भी गर्मी हो रही है। एक बात बताओ,
क्या आप वही महसूस कर रहे हो जो मैं महसूस कर रही हूँ? क्या? वैसा? कैसा? वैसा? कैसा? वैसा? क्या भाड़ा और क्या? अच्छे लोग हैं, दे देंगे। अच्छे लोग हैं तो भाड़ा नहीं लूं, छोड़ दूं? एक काम तो तुमसी तारा थी, जय ना भी गयो। कल जाता हूं मैं, फेंकता हूं सामान बाहर। देखना, एक घंटे में पैसे लेके आता हूं मैं, एक घंटे में। मम्मी को बोलो परेश भाई आए। पहले महीने से तुम्हारा नाटक शुरू हो गया। अंकल आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे नमस्कार परेश जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, लीजिए। भाड़े के लिए मुझे आना पड़ा, पहला ही महीना शुरू हुआ है। अरे भाड़ा कहीं नहीं जाएगा, पिंकू को भेजा है ना, मैं देती हूँ फिर। पिंकू को कहिए भाड़ा दे देवे, मुझे और भी जगह जाना है, लेट हो रहा है। हाँ बोला है ना, वो लेके आती है। आपसे कुछ कहूँ? वो पिंकू के पापा का नाम भी ना परेश था। जब मुझे पता चला ना कि आपका नाम भी परेश है, तो बस मैंने तय कर लिया था कि मुझे तो इसी घर में रहना है। तो अच्छी बात है ना, पर कम से कम भाड़ा तो टाइम पे दे दो, पहला ही महीना है और मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, देंगे ना भाड़ा, कहीं नहीं जाएगा। अभी बताया ना, पिंकू लेके आती है, आप परेशान मत होइए। थोड़ा जल्दी बोलो उनको। परेश जी, आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आपसे मिलके ना ऐसा लग रहा है जैसे कि इस अजनबी शहर में कोई अपना है। वो सब ठीक है, पिंकू को बोलो ना भाड़ा लेके आवे मुझे। क्या हो गया? उनकी याद आ गई। ठीक है, वो सब आवाज दो ना पिंकू को, मुझे कहीं और जाना है। आ रही है ना पिंकू? परेश जी, आप थोड़ी देर और रुक जाइए ना। क्यों? वो आपको भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे मुझे? वैसा कैसा? वैसा आपके
पसीना क्यों आ रहा है? पूछ दो मैं। नहीं 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 पूछ देती हूँ ना। रहने दो, मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ। अच्छा आप पिंकू को बोलिए। आ रहा है ना भाड़ा, कहीं नहीं जाएगा, आप रुकिए तो। मुझे आप रुकिए तो। सामान फेंक दिया? किसका? भाड़ा लेने गए थे ना। हाँ तो सारा मन सोचे, अच्छे लोग है, कहते दे देंगे वो, आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मम्मी लो पानी।